डे 2023 फ्रॉम दुमका ब्लॉगर। सेल्फी ब्रिज आया, वहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे आई लव दुमका का बैनर लगा हुआ है। भी छोड़ दिया, हो गए हैं रात के 12:05। अब भाई जितनी काफ़ी डर लग रहा था, अजीब टाइप का आवाज़ आया था, स्केरी साउंड, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। डिस्क्लेमर: This video is really just for entertainment purpose. All the work done in this video is done at our own risk by Dumka vlogger, and I strongly recommend that please do not try this or replicate any of this action shown in the video at this place or anywhere else. Please keep in the mind. तो भाई आज की कहानी स्टार्ट होती है कुछ यहाँ से। मैं इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तभी सडनली मुझे एक आइडिया आता है कि कुमड़ाबाद सेल्फी ब्रिज इनॉग्रेशन होने के बाद अभी तक एक भी नेशनल फेस्टिवल नहीं आया है, तो क्यों ना इस इंडिपेंडेंस डे कुमड़ाबाद सेल्फी ब्रिज में फ्लैग लगाया जाए। तो बिना ज़्यादा कुछ सोचे मैं निकल गया मार्केट फ्लैग खरीदने। तो यहाँ पे हमने ये बड़ा वाला झंडा 4 पीस परचेज किया है, और ये छोटा वाला झंडा का 5 बंडल परचेज किया है। तो टोटल फ़िलहाल अभी हमने 2 सामान परचेज किया है, देखते हैं और क्या परचेज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही परचेज करते हैं और चलते हैं गाड़ी की तरफ, वहीं पे दिखाएंगे आपको। तो भाई यहाँ पे अभी हम लोग वीना प्रेस आए हुए हैं अपना बैनर का ऑर्डर देने भैया के पास। ये भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने अपने इंडिपेंडेंस डे का बैनर का ऑर्डर दिया है, देख सकते हैं। भैया अभी किसी और का बैनर बना रहे हैं, उसके बाद मतलब मेरा ही बना रहे शायद, हाँ। तो बनने वाला है अभी हमारा बैनर, तो चलिए बैनर बन जाता है भैया के पास, फिर आपका आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैनर प्रिंट होके आ चुका है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, दुमका ब्लॉगर यहाँ मेरा चैनल का नाम। तो भैया लोग ने प्रिंट किया, भैया बहुत बहुत थैंक यू, काफ़ी जल्दी प्रिंट किया भैया लोग ने मेरे लिए ये वाला बैनर। तो भैया इसे अब फोल्ड कर रहे, तो बस इतना ही आप सबको दिखाना था, अब डायरेक्ट चल कर मिलते हैं आप सबसे गाड़ी में। तो भाई यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, सारी चीज़ हमने ले ली है ज़रूरत की, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पम्प की तरफ फिलअप कराने गाड़ी को, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे डायरेक्ट। तो भाई यहाँ पर अभी हमने फ़िलहाल फिलअप करा दिया है, अब चलते हैं हम लोग गम और रोप लेने, जो कि हम लोग किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिलेगा गम और रोप। चलिए चलते हैं गम और रोप ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने ले लिया है ये प्लास्टिक का रोप और ये फेवी गम, साथ में कुछ स्नैक्स भी ले लिया ताकि अगर काम करते करते कोई भूख लग जाएगी तो थोड़ा सा स्नैक्स खा लूँगा, ये लेज़र कुरकुरे। तो सब कुछ फाइनल हो चुका है और अभी हम लोग दुमका से निकल रहे हैं, अभी रात के पक्का पक्की 8:10 हो चुके हैं, पहुँचते पहुँचते तो लगता 8:30 हो ही जाएगा या 8:20। तो चलिए दुमका से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग आ चुके हैं कुमड़ाबाद सेल्फी ब्रिज, ब्रिज काफ़ी खाली है और डर भी काफ़ी लग रहा है, हल्का अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब डर टाइप का लगेगा ही, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कोई नहीं है गाड़ी में, मतलब मैं अकेला ही हूँ, कोई फ्रेंड नहीं आया साथ में, सब लोग बोला था आएंगे लेकिन टाइम पर सब ने धोखा दे दिया, कोई नहीं आया, तो मैं जस्ट अकेले ही आया हूँ पूरा भाई ब्रिज में, अजीब तरह से डर लग रहा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक बार जब सोच लिया हूँ ठान लिया हूँ तब तो कर ही के जाऊँगा, रिस्क काफ़ी लग रहा है क्योंकि कोई भी आके भाई गन वन दिखा देगा तो हालत ख़राब हो जाएगा भाई, अकेला हूँ जस्ट, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, गाड़ी वाड़ी सब लेके भाग जाएंगे, फिर भी अपने रिस्क पर कर रहा हूँ, दिखता हूँ क्या होता है। सो बने रही आप लोग व्लॉग में, आप लोग को मेरा चेहरा देख के भी और आवाज़ भी हल्का दबा दबा टाइप का लगता होगा क्योंकि काफ़ी डर गया हूँ मैं, कोई नहीं और आवाज़ आ रही है अजीब अजीब, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं, जैसा हो पाता आपको व्लॉग में बताऊँगा। तो भाई यहाँ पे अभी कुमड़ाबाद आ चुके हैं हम लोग, और हमने वहाँ पर अपने सामने में उधर गाड़ी खड़ी की है जहाँ थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा है, और इस साइड में रहा हमारा बैनर, यहाँ पर हमने एक इमरजेंसी लाइट का जुगाड़ किया है, वो हमने जलाया, और यहाँ पे रोप है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही दिखा दिया था या शायद नहीं दिखाया था, यहाँ पे आई लव दुमका वाला बैनर लग चुका है आई लव दुमका की तरफ से,
अब मैंने आई लव दुमका को काफ़ी बार कॉल भी करने का ट्राई किया इस इंस्टाग्राम पे, बट उन्होंने उठाया नहीं कॉल। तो अब मेरे को क्या यहीं पे लगाना पड़ेगा। मैं उनसे परमिशन लेना चाह रहा था कि इधर लगा सकता हूँ कि नहीं, बट उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। क्या करूँ, अब यहीं पे लगाना पड़ेगा, कोई और जगह तो दिख नहीं रहा है। और मैंने बांस भी नहीं लाया, फिर बाद में उनको कॉल करके बोल दूँगा इनके कि मैंने यहाँ पे लगा लिया। क्योंकि डर भी भाई काफ़ी लग रहा है, कोई है ही नहीं, पूरे ब्रिज खाली है, अकेला मैं ही हूँ यार। तो इसीलिए अब ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं है, यहीं पे लगाना पड़ेगा मेरे को। लगाता हूँ यहाँ पे, फिर मिलता हूँ आप सबसे। तो भाई रात के 9:15 बजे से लेके अब रात के 11:30 बज चुके हैं, अप्रॉक्स 2.5 घंटा हो गया है। 2.5 घंटा से भाई सिर्फ बैनर ही लगा है। मेरा तो बैनर भाई जल्दी लग गया था, फिर बगल में जो मैंने आपको दिखाया था आई लव दुमका वाला बैनर है वो भी गिर गया था, तो मैंने उसे भी ठीक किया। तो भाई हालत काफ़ी ख़राब हो गई। 2.5 घंटा कार को पीछे कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, पीछे आगे करते करते भाई हालत ख़राब हो गया तब से। क्या बताओ, रुके मैं आपको उतर के दिखाता हूँ, तब आप सबको समझ में आएगा कि क्या हुआ था यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मेरा तो बैनर लग चुका है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम दुमका व्लॉगर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच इंडिपेंडेंस डे व्लॉग ऑन यूट्यूब। ये मेरा बैनर लग चुका है और बगल में आई लव दुमका का बैनर लगा है, जो कि @ सेल्फी ब्रिज दुमका ने लगाया है। तो भाई ये बैनर उस राइट साइड से जिधर आई लिखा हुआ है उधर से फट चुका था, मतलब पूरा गिरने ही वाला था जस्ट। तो मैंने उसे पूरे वहाँ से वापस से रस्सी से बांधा और सेलो टेप से अच्छे से मतलब चिपका दिया वहाँ पे, अब वो गिरेगा नहीं जल्दी, काफ़ी मज़बूती से बांध दिया। दोनों को मैंने एक ही रस्सी में कर दिया, वो भी मज़बूत हो गया पूरा भी ये। तो भाई आई लव दुमका के ऑनर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप दुमका डायरीज से भी पूछ सकते हैं कि ये बैनर जस्ट गिरने ही वाला था, वो लोग भी आए थे, तो मैंने इसे वापस से सेलो टेप चिपका कर सही किया। काफ़ी मेहनत लगी भाई, 2.5 घंटा। अब दोनों बैनर एवरेज दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि साइड में जो वहाँ पे बांस है वो गिर जाएगा अगर ज़्यादा इस पर प्रेशर डालेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे मेरा बैनर लगा भाई, हालत ख़राब हो गया, ऐसा दिख रहा है कुछ बैनर रात में, दिन में अब कैसा दिखेगा पता नहीं, वो कल आके देखता हूँ मैं। तो यही सब है अभी। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 2.5 घंटा में बस बैनर ही लग पाया है, मेरा बैनर लगा और जो आई लव दुमका वाला बैनर ख़राब हो गया था वो मैंने वापस से अच्छे से रिपेयर करके मतलब सेलो टेप वगैरह चिपका के लगा दिया वापस से। अभी तो बस 2.5 घंटे में बैनर ही लगा है, अभी काफ़ी काम बाकी है। और जैसे कि वो मैंने पेपर वाला फ्लैग लिया था उसको पूरा मतलब कुमड़ाबाद ब्रिज का जो साइड में बाउंड्रीज है वहीं पे चिपकाना है ब्रिज का राइट और लेफ्ट साइड में। तो रात के 11:30 बज चुके हैं, कुछ देर में 12 बज जाएगा, तो मुझे अजीब टाइप से लग रहा है, थोड़ा डर टाइप का आप लोग समझ सकते हो, अकेला हूँ काफ़ी। तो देखते जितना हो सकता उतना करते हैं। अभी कॉल भी आ गया, घर से कॉल भी आ गया मेरा, तो घर पे बात कर लेते फिर मिलते हैं आप सबसे। तो भाई मेरे घर से भी कॉल आ गया था, तो मैंने बोला कि फ्रेंड क्या हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा देर में आ जाऊँगा। तो भाई घर भी अब जल्दी जाना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी से वो पेपर वाला फ्लैग राइट लेफ्ट साइड में चिपका देता हूँ और दिखाता हूँ आप सबको कैसा लगता है, जितना दूर तक हो पाएगा उतना दूर तक मैं चिपकाऊँगा। तो चलिए चलते पेपर वाला फ्लैग चिपकाने। तो भाई अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी डर लग रहा था, अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा था, स्केरी साउंड, सच बोल रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, कोई अकेले आया हूँ भाई, काफ़ी लोग को लग रहा होगा भाई ड्रामा कर रहा, मजाक कर रहा, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है भाई, कसम खा रहा हूँ यार, सच में आवाज़ आ रही है, बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक आवाज़ आ रहा है। इसलिए मैं गाड़ी के अंदर आ गया और आप लोगों को दिखा देता हूँ, सारे शीशे बंद कर लिए मैंने और अब चला घर भाई। काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि और ज़्यादा देर तक रुका तो यहाँ खतरे से खाली नहीं होगा भाई, यहाँ से निकल ही जाना है, जान है भाई तब इंडिपेंडेंस डे मना पाऊँगा अगर ज़िंदा रहूँगा, तो अगर नहीं रहा तो फिर भाई समझ ही सकते आप लोग। खैर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इसके बारे में, बस थोड़ा इधर दिखा देता हूँ क्या कैसे मैंने फ्लैग लगाया, एक मिनट रुकिए। तो इधर साइड साइड में जो आपको कुमड़ाबाद का बाउंड्री में दिख रहा है फ्लैग, वहीं पे मैंने लगाया है सारा फ्लैग, बस यही सब है। Tomorrow. तो भाई
अभी फ़िलहाल है हम लोग कुमड़ाबाद ब्रिज में, और यही वो एरिया है जहाँ पे हमने बैनर लगाया था, और आई लव दुमका का भी बैनर लगा हुआ था यहाँ पे। फ्लैग सब सही है बट बैनर यहाँ पे फट चुका है क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था। एंड फ्लैग जो हमने सटाया था रात में साइड साइड में, वो अभी भी लगा हुआ है बट बैनर उखड़ चुका है पूरा, और कहाँ गया पता नहीं। ये देखिए फ्लैग सब सारा लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लगाया था, काफ़ी लगा नहीं पाते क्योंकि रात का 12:30 बज गया था इसी कारण, बट अभी फ़िलहाल बैनर लगा हुआ है, बैनर नहीं लगा हुआ फ्लैग लगा हुआ है। ये देखिए।